बेटी वहां क्या करी स्वामी? देखो बेटी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बेटी मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि अभी तक तुम्हारी तबीयत खराब रही थी और अभी भी ठीक हुई और फिर तुम अब अच्छी नहीं रही, शानी भी हो चुकी। इसलिए मेरा कहना है तुम्हें इस तरह नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि जमाना बेहद खराब चल रहा है। इस तरह अकेली नहीं घूमना चाहिए। नहीं मम्मी, राजकुमार की हमारे सामने ऐसे नहीं आई माँ। ये तो अपने सहेलियों के संग चमन की सैर करने के लिए गई थी, लेकिन उस चमन के अंदर महामंत्री रंजीत सिंह पहुंचकर राजकुमारी के संग बदतमीजी कर रहा था। ये तो अच्छा हुआ कि हम मेला देखकर उसी चमन वाले रास्ते से वापस आ रहे थे, और आवाज सुनने पर वहां पर पहुंचकर मैंने राजकुमारी जी की हिफाजत किया। राजकुमारी जी से आपके बारे में मैंने जिक्र किया, इन्होंने आपसे मिलने के लिए दीदी किया, इसलिए मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। ये क्यों कहता है? लेकिन तुम दोनों को कोई देखेगा तो क्या सोचती आपने? और बेटा देखिए, आज आप दोनों माँ बेटे का प्यार देखकर मुझे मेरी माँ की याद आ गई। काश मेरी भी माँ होती तो आपके जैसे ही प्यार मुझे मिलता। बेटी ये तुम क्या करती? क्या मैं तुम्हारी गैर रखती हूँ? देखो बेटी, आज के बाद ऐसी बात अपनी जुबान पे मत लाना। आज की बात मैं तुम्हें वो प्यार दूंगी ताकि तुम कभी एहसास नहीं करोगी कि मेरी माँ इस संसार में जिंदा है। फिर कैसे कभी ऐसी बात अपनी जुबान पे मत लाना। नहीं करूंगी। और हाँ माँ, देखिए ना, बड़ी बात भी बहुत समय हो गया है, अब मैं जाना चाहती हूँ क्योंकि पिताजी इंतजार करते होंगे। लेकिन माँ, आज मैं आपके बंगले पर पहली बार आई हूँ, तो इसीलिए पपे के रूप में आपको मैं कुछ देना चाहती हूँ। क्या देना चाहती हूँ माँ? ये क्या, ये क्या? तुम्हारा गला सुना हो गया, मैं ये अच्छा नहीं लगा। क्या हुआ माँ, मेरा गला का दूसरा पहनी हुई। लेकिन तुम्हारी डैडी पूछी थी कि बेटी वो मेरा बनवाया हुआ हार क्या हो गया, क्या बता? बता दूंगी कि मैंने माँ को दे दिया है। ये क्यों दे दिया? ममता के तौर पर बस। ठीक है भाई। माँ बात कीजिए। राजकुमार जी को ले जा और राजकुमार जी को राजकुमार जी के महल के बड़े गेट तक छोड़कर और लौटा। पहले भी तू देर करके आया, बहुत देर से भोजन मरण करते रहे, इंतजार कर रही थी और तू देर करके आया। और क्या चाहता है कि मेरी माँ मेरे बिना चाय नाश्ता भी नहीं करती, फिर भी देर करके आया। मारूंगी ना, जितना दुलार करना जानती हूँ तो उतना मारना भी जानती हूँ। जाओ मम्मी। हाँ बेटा, बेटी इसे रोकना नहीं बहुत जरूरी है। बिल्कुल नहीं रोकूंगी मैं। क्या हुआ? मुझे बेहद खुशी।